हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 4 जो हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने अभी तक एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे, यानी कि सेक्शन ए को कंप्लीट किया था। आज मैं आप लोगों के साथ सेक्शन बी को स्टार्ट करूंगा और सेक्शन बी की हेडिंग हमारी रहेगी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि ये 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अंदर भी दोबारा से 10 क्वेश्चन है, यानी कि 10 मैं आपको पहली वीडियो में करवा चुका हूँ और 10 अब कराऊंगा, टोटल हो जाएंगे 20 क्वेश्चंस। और मेरी आपसे सजेशन ये है कि आप ये वीडियो देखने से पहले इसकी प्रीवियस वीडियो को देखिए, पहले एमसीक्यू को करना सीख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन करना। और उससे भी बड़ी बात ये कि चैप्टर 4 जो है पहले आप एनसीईआरटी में से कर लो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को समझा सकूं, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पहले करी हुई है तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर बी, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करो, और लिखा हुआ है बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, जो ये फैक्टराइजेशन मेथड है ना, इस फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग SPL, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, फर्स्ट पोजीशन पे 8 है और लास्ट पोजीशन पे 21 है, तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 21। 8 मल्टीप्लाई बाय 21 के बनाते हैं फैक्टर। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये 168 आएगा फिर आप 168 के फैक्टर बनाओगे, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम इसको आसान से तरीके से करेंगे। जब आप 8 के फैक्टर बनाओगे तो इसके 2 × 2 × 2 बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब आप 21 के बनाओगे तो इसके बनेंगे 3 और 7, यानी कि आपके सामने फैक्टर निकल के आए, 2 आया 3 टाइम्स, 3 आया 1 टाइम, 7 आया 1 टाइम। अब आपको इन फैक्टर्स का यूज करके इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो डिवीजन इस तरह से करनी है, ये जो माइनस है माइनस करने पे आपका आंसर 22 आ जाए। दोबारा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो फैक्टर हैं इन फैक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इस तरह से डिवाइड करना है कि इन दोनों पार्ट्स के अंदर वैल्यू पुट करें, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट साइन है माइनस का, तो इनके बीच में माइनस करने पर आपकी वैल्यू आनी चाहिए 22। एक्चुअली 22 भी नहीं आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए -22, तो हम यहाँ लिख देते हैं -22 आना चाहिए। अब देखो हम इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो क्या करें, हम एक काम करते हैं 3 और 2 को एक साथ ले लेते हैं, जब 3 और 2 को एक साथ लोगे तो ये बन जाएगा 6, और बाकी के रिमेनिंग फैक्टर्स को एक साथ लोगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 7, 7 × 4 आया 28, और आप देख सकते हैं 28 में से 6 माइनस करूंगा तो आएगा 22। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसके अंदर लिखें क्या, इसको ऐसे लिखें 28 - 6 या ऐसे लिखें 6 - 28। तो मैंने आपको कहा आपको -22 चाहिए, तो -22 कब आएगा, जब 28 के आगे नेगेटिव साइन होगा, यानी कि ये वाला नंबर कट जाएगा और इसके फैक्टर लिए जाएंगे प्लस का 6 और माइनस का 28, ये आपके फैक्टर निकल के आए। एक बार आप इतना नोट करें फिर हम इसकी वैल्यू क्वेश्चन में डालते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 8x² प्लस 6x माइनस 28x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए इन फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट 2 पार्ट्स में से आप मेरे को ये बताएंगे कि सर फर्स्ट 2 पार्ट में से आप 2x कॉमन ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे 2x कॉमन लिया। जब 2x कॉमन लिया तो अब यहाँ अंदर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 8x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4x, फिर प्लस साइन, 6x को 2x से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी प्लस 3। अब इसके बाद 28 और 21 में से आप ले सकते हो -7 कॉमन, जब आप -7 कॉमन ले लोगे तो -7 कॉमन लेने के बाद
यहाँ पे वैल्यू बचेगी 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और x एज इट इज। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये वाला माइनस भी बन जाएगा प्लस और 21 कितने पे आता है, ये आता है 3 पे इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो दो फैक्टर बनाए हैं आपने, एक ये वाला ब्रैकेट और एक ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों सेम होने चाहिए, जबरदस्ती सेम नहीं करते, ऑटोमेटिक ही अपने आप सेम आ जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए, एक ब्रैकेट तो आया आपके पास 4x प्लस 3 और एक ब्रैकेट आएगा आपके पास ये वाला, एक ये 2x और यहाँ से माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको बस x की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे लिखोगे 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। अगर आप क्वेश्चन नोटबुक में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, बी पार्ट है जो हमें रूट्स के अंदर वैल्यूज दे रखी हैं और हर स्टूडेंट इस रूट के क्वेश्चन को करने में घबराता है। तो आइए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर बी है ना, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर बी को करने के दो तरीके हैं। एक तो क्वेश्चन में बोला हुआ है फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा, और एक इसका एक और तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे हैं कि सर आपने एक और तरीका नहीं लिखा जो कि होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने बुक के अंदर पढ़ा है एक तरीका और है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके एनसीईआरटी बुक में ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में से यह टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर ना आपकी एनसीईआरटी बुक में से पढ़ना है, ना इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन करने हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स एक बार आपके क्वेश्चन सही कर लो। यहाँ पे 25x है, आपकी बुक के अंदर 25x दिया हुआ है। तो आइए इसको फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन लगाने के लिए आप करेंगे क्या, 3√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10√5 से, तो 3 × 10 बन जाएगा 30 और √5 और √5, रूट से रूट कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी 5 और 30 × 5 करेंगे तो ये आएगा 150। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया है। अब इसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लास्ट साइन चेक करना है, लास्ट साइन है प्लस और आपको प्लस करने पे लेके आना है 25, यानी कि आपको 150 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस करने पे वैल्यू कितनी आ जाए, 25 आ जाए। तो आप कहोगे सर देखो इस 150 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 15। तो एक बार आप ये चेक करो कि 10 + 15 कितना होता है, 10 + 15 25 होता है। तो हमारे फैक्टर यही आ गए, एक आया 10 और एक आया 15। तो इसको जरा यहाँ पे सब्सिट्यूट करो, सब्सिट्यूट करोगे तो ये बनेगा 3√5x² प्लस 10x प्लस 15x प्लस 10√5 इक्वल टू 0। ये हमने 25 के दो फैक्टर स्प्लिट कर दिए। अब हमें इसके बाद वैल्यू निकालनी है कॉमन। तो देखो जरा कॉमन कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले एक्स स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आ रहा है, तो उसमें से कॉमन आ रहा है x। एक्स स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आ रहा है, उसमें से कॉमन आ रहा है x। अब जब आप 3 और 10 देखोगे तो 3 और 10 में से कुछ कॉमन नहीं आता, लेकिन जरा एक बार 10 को जरा ध्यान से देखना। जब मैं 10 को लिखूंगा तो 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5, ये 10 होता है। और आप जानते हैं कि जो a है, इस a को ऐसे लिखा जा सकता है √a × √a, तो इस 5 को भी ऐसे लिख सकते हैं √5 × √5। अब आप ये देखिए मैंने इस 10 को कैसे लिखा, 2 × √5 × √5, तो एक √5 ये रहा। एक बार हम यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, इसको हमने लिखा 2 × √5 × √5। तो ये देखो √5 और √5 कॉमन आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास कॉमन आएगा √5 × x। अब इसके बाद जब आप लिखेंगे वैल्यू तो यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, √5 x बाहर है, यहाँ बचा हमारे पास 3x²
इन तीनों वैल्यू में से आपने एक रूट फाइव बाहर ले रखा है तो इसको काट दो, बचागा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा टू रूट फाइव, तो यहाँ लिखेंगे प्लस टू रूट फाइव, ये हुआ क्लोज। फिर यहाँ पे आ जाओ प्लस, अब देखो 15 और 10 में से क्या कॉमन आता है, 15 और 10 में से सर कॉमन आता है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा कॉमन। 5 को कॉमन लिखने के बाद लगाओ ब्रैकेट और स्टार्ट करो क्वेश्चन, तो हमने यहाँ लगाया ब्रैकेट, यहाँ आएगा 3x प्लस, अब देखो ये है हमारे पास 10 रूट 5 और इसमें से आपने 5 कॉमन लिया, 5 को 10 से कट करोगे तो वैल्यू आएगी 2, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू 0। एक बार आपको अगर ये नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके यहाँ तक देखो, उसके बाद आगे बढ़ना। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 2 रूट 5 और यहाँ आएगा हमारे पास रूट 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हमने दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन कर दिया। फिर हम लिखेंगे 3x प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0 और रूट 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे x की वैल्यू आई। जब यहाँ लिखोगे तो ऐसे लिखोगे रूट 5x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट 5। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपका जो आंसर है ये भी सही है, लेकिन देखो मैंने भी यहाँ बताया था कि हम a को रूट a और रूट a लिख सकते हैं, तो आप ऊपर 5 को रूट 5 लिख सकते हो, यानी कि रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5, ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 5, तो ये हमारे दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। पहला आंसर है माइनस टू रूट 5 अपॉन 3 और दूसरा आंसर है माइनस का रूट 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ पा रहे हैं, लिखा हुआ है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपको ये इक्वेशन दी हुई है आर रियल एंड इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है आपको समझाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक ये वर्ड लिखा हुआ है रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल वर्ड देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने हमें MCQ के अंदर बताया था रियल और इक्वल निकलते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, जिसको मैंने कहा था डिनोट करते हैं D से, और इस D की वैल्यू मैंने आपको बताई थी होती है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC तो आता है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है नेचर, ये नेचर बताता है किसका, ये नेचर बताता है रूट्स का। तो रूट्स के नेचर क्या होते हैं, रूट्स का नेचर पहला होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा नेचर होता है रियल एंड इक्वल, और तीसरा नेचर होता है नो रियल रूट्स। ये डिस्क्रिमिनेंट के यानी कि रूट्स के तीन नेचर होते हैं। इनमें से जो ये रियल है ना, रियल इसका मतलब होता है कि रूट्स एग्जिस्ट हैं, रूट्स एग्जिस्ट यानी कि आप आंसर फाइंड कर लोगे, इसमें भी आप आंसर फाइंड कर लोगे रूट्स एग्जिस्ट। लेकिन जो ये तीसरा है ना नो रियल रूट, इसका मतलब होता है रूट्स नॉट एग्जिस्ट, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे रूट्स नॉट एग्जिस्ट। इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन मैं आपको जब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट अच्छे से बताऊंगा, अभी आप इन दोनों को समझे। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है आंसर निकाल पाओगे, लेकिन कैसे निकालोगे, डिफरेंट निकालोगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट रूट्स निकलेंगे, दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, और इक्वल का मतलब क्या होता है सेम, तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे, सेम टू सेम रूट्स आएंगे। तो जब इक्वल रूट बनते हैं ना तो इस डी की यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है 0 के बराबर, और जब डिस्टिंक्ट रूट बनते हैं ना तो इस डी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनना, अगर रियल और इक्वल लिखा आता है यानी कि सेम टू सेम रूट है, तो डी क्या होता है 0 होता है,
और अगर डिस्टिंक्ट लिखा आता है यानी कि डिफरेंट आता है तो इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने सबसे पहले इक्वेशन उतारी यहाँ पे 2x² - kx + k = 0। उसके बाद हमने यहाँ लिखा इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे ना तो आपके बोर्ड में नंबर्स कट जाएंगे। आपके स्कूल टीचर तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन आपके बोर्ड में इस लाइन को ना लिखने के नंबर कटेंगे। तो आपको ये लाइन लिखनी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मस्ट, लिखना ही है, जरूरी लिखना है। अब आप सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन में से ए बी और सी निकाल के बताओ। तो आप इसको ऐसे लिखोगे ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या बनेगी, जो एक्स के साथ में है वो ए है तो एक्स के साथ में है 2, जो एक्स के साथ में है वो बी और यहाँ पे एक्सिस के साथ है के। मैंने यहाँ शायद गलत बोल दिया, x² के साथ में ए है और एक्स के साथ में बी है यानी कि माइनस के। और सी की वैल्यू क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो के, तो हमारे वैल्यू आ गई के, सी की वैल्यू आई के। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखो रियल और इक्वल में क्या है, डी को जीरो लेना है। तो यहाँ लिखो डी इज इक्वल टू जीरो। अब आप कहोगे सर डी क्या है, तो डी देखो ये रहा ऊपर b² - 4ac, तो इसको लिखोगे b² - 4ac = 0। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस के, तो यहाँ आएगा माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है k इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा k² - 4 × 2 करोगे तो 8k = 0। एक बार आप यहाँ तक नोट करें क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आप बढ़ते हैं हम इसके आगे। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं, इसमें गलती करते हैं। जो गलती करते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ, गलती क्या करते हो आप। गलती, आप इसको लिखोगे 8k² - 8k = 0। फिर आप इसको लिख दोगे k² = 8k। फिर आप लिख दोगे k से ये स्क्वायर कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 8। अगर आपने ये गलती वाला स्टेप कराना तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने गलती करी। और वो गलती क्यों करी, मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, और डिग्री 2 का मतलब क्या होता है, इसके दो सोल्यूशन आएंगे यानी कि दो आंसर्स आएंगे के के। आपने कितने निकाले, आपने एक निकाला यानी कि आधा आंसर करा, इसलिए वो क्या है, एक गलती है। अब हम करते हैं इसको सही से कैसे होना चाहिए। तो हम जब इसको सही से करने जाएंगे तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे k² - 8k = 0। आप यहां से ले लो k कॉमन, तो यह आएगा k - 8 = 0। फिर आप इसको लिखोगे k = 0 और k - 8 = 0। तो यहां से वैल्यू निकालोगे, k की वैल्यू कितनी आ गई 8, और यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो देखो डिग्री कितनी थी, 2 डिग्री थी, तो 2 आंसर आए। लेकिन जो हमने गलती वाला करा था उसमें एक ही आंसर आया था। तो सही तरीका इस क्वेश्चन को करने का यही है। थोड़ा लंबा चला गया, ये लाइन लिखनी जरूरी है, ABC लिखना जरूरी है, लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। K की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन आपको दे रखी है आपके सामने और बोला है इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो मैंने अभी अभी आपको ये समझाया था कि डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है डिफरेंट रूट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंट रूट्स। और जब भी डिफरेंट रूट्स आते हैं तो उसका मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेंट है के वो जीरो से बड़ा है, यानी कि डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो करेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे इट हैज, पहले तो इक्वेशन उतारेंगे 9x² + 3kx + 4 = 0। फिर आप यहाँ लिखोगे इट हैज डिस्टिंक्ट रूट, इट हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर आप यहाँ लिखोगे डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू होगी b² - 4ac > 0। अब आप यहाँ पे साइड पे लिख सकते हो कि a क्या है,
बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो ए बी और सी इस इक्वेशन में से आएंगे, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में होगा वो होगा ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ में है 9, एक्स के साथ में है वो होगा बी, तो एक्स के साथ में है 3k, तो ये 3k पूरा कंप्लीट आएगा और जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो है सी यानी कि 4। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाएगा 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 इज ग्रेटर देन 0। इसको आप लिखोगे 9k स्क्वायर माइनस, अब आप यहाँ देखिए आपके आगे भी 9 लिखा हुआ है और अंदर भी 9 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको ऐसे लिखो 9 मल्टीप्लाई बाय 16 ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद ये आ जाएगा 9 कॉमन, तो यहाँ आएगा k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। इसके बाद आप इसको लिखोगे k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। इसके आगे का जो स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अब इसके आगे आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग गलती क्या करते हो इसमें, आप गलती ये करते हो कि आप इसको ऐसे लिखते हो k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, यह आ गया k स्क्वायर ग्रेटर देन 16, फिर आप लिखोगे k ग्रेटर देन अंडर रूट 16, फिर आप लिखोगे k ग्रेटर देन, एक बार आप लिखोगे प्लस 4 और एक बार आप लिखोगे माइनस 4। तो इसका मतलब क्या बना, ये देखो ये हमने यहाँ पे बनाई अंडरलाइन, ये हमने यहाँ पे लाइन बनाई, इस पे अगर एक ये नंबर है माइनस 4 और एक ये नंबर है 4, तो मुझे ये बताओ देखो के क्या कह रहा है, के जो है वो 4 से भी बड़ा होगा और माइनस 4 से भी बड़ा होगा, तो के अगर 4 से बड़ा है तो 4 से बड़ा है यानी कि इस तरफ को नंबर जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, उस तरफ जाएंगे सारे नंबर, और k माइनस 4 से भी बड़ा है तो ये वाला हिस्सा भी इसी तरफ जाएगा पूरा का पूरा। तो देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, दो दो सॉल्यूशन सेट इंक्लूड हो रहे हैं, यानी कि माइनस 4 से बड़ा लोगे तब भी 4, 5, 6 उसमें आ रहा है, 4 से बड़ा लोगे तब भी 4, 5, 6 उसमें आ रहा है, तो ये वाला गलती है, आपको ऐसे नहीं करना, ये पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे कट जाएगा। अब इसको करेंगे क्या, सही तरीका क्या है वो देखो, सही तरीका इसका ये है, आप इसको ऐसे लिख दो, आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आप यहां लिखोगे तो ये बन जाएगा के का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। उसके बाद आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा के प्लस 4 मल्टीप्लाई के माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब आप देखो यहाँ पे एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, अब आप यहाँ पे अगर इसको इक्वेट करके जीरो की वैल्यू निकालोगे तो आप इसको एक बार ऐसे लिखो k प्लस 4 अगर 0 है तो k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 4 आएगी, तो एक बार आप यहाँ पे प्लॉट कर दो माइनस 4, और एक बार आप इसको ऐसे निकाल दो k माइनस 4 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 4, तो ये आ गया 4। और आप लोग ये जानते हैं अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड पे जाऊंगा तो 4 से बड़ी वैल्यू आएंगी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आऊंगा तो 4 से छोटी वैल्यू आएंगी, और मेरी बात सुनना अब ध्यान से, आपको राइट हैंड साइड से साइन लगाने हैं, ये साइन लगेगा प्लस, ये साइन लगेगा माइनस, और ये साइन लगेगा प्लस, ऑल्टरनेटेड साइन लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस, कहाँ से लगाने हैं, राइट हैंड साइड से लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस। अब आप ये देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर का साइन है, ये जो ये साइन है ये कौन सा है, ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लेना, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू लेना। तो देखो आपका पॉजिटिव साइन कहाँ आया, एक तो साइन आया यहाँ पे और एक साइन आया यहाँ पे, यानी कि आपका जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा के 4 से बड़ी वैल्यू लेनी है ना, तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे, तो k से बड़े को डिनोट करने के लिए ऐसे k इज ग्रेटर देन 4, k की वैल्यू 4 से बड़ी रहेगी कोमा। जब आप यहाँ जाओगे तो देखो आपका ये साइन इस तरफ को आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को आ रहा है, यानी कि माइनस 4 से माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आना है, तो इसका मतलब ये बना k इज लेस देन माइनस 4, k इज ग्रेटर देन 4 और k इज लेस देन 4। अब एक बार आप ये क्वेश्चन को यहाँ तक नोट करने के बाद अपना सपोर्टिंग मटेरियल में से आंसर मैच करना, तो पीछे आंसर यही दे रखा है,
और जो मैंने आपको पहले गलती बताई थी वो क्वेश्चन आपका कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने गलती क्या करी। तो आपने गलती क्या करी मैंने आपको वो भी समझाया, और इस क्वेश्चन को करना कैसे है आपको ये भी मैंने समझाया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें ये वाला स्टेप करना कब है, पता कैसे चलेगा? तो आपको ये स्टेप इसी केस में करना है जब यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट लिखा आएगा या डिफरेंट लिखा आएगा, क्योंकि इसी में ग्रेटर देन जीरो होगा। जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप ऐसे ही इक्वेट करके वैल्यू निकालोगे और उसके बाद आप यहाँ लिखोगे प्लस माइनस प्लस, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे प्लस माइनस प्लस। उसके बाद आप यहाँ देख लो, चार से बड़ा है तो k की वैल्यू चार से बड़ी, ये माइनस फोर से उस तरफ को जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाने के लिए लिखते हैं लेस देन, तो k इज लेस देन माइनस फोर, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हैं सीबीएसई ने क्वेश्चन भी किस किस तरह के बना रखे हैं कि बच्चा यहाँ तक तो आ जाएगा लेकिन यहाँ तक आने के बाद आगे मिस्टेक कर देगा। तो वो आगे मिस्टेक करने के लिए ही मैं आपको सपोर्टिंग में डिटेल करवा रहा हूँ, सॉरी आगे की मिस्टेक ना करने के लिए मैं आपको वो सपोर्टिंग में डिटेल करवा रहा हूँ। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा है, फाइंड पी फॉर विच इक्वेशन आपको दे रखी है एक, हैज नो रियल रूट। आपको पी की वैल्यू बतानी है जिसमें इसके रूट्स एग्जिस्ट ना हो। तो मेरी बात को जरा आप ध्यान से देखिएगा, हमने पहले यहाँ अंडरलाइन किया, यहाँ लिखा हुआ है नो रियल रूट, नो रियल रूट, रियल रूट उसके नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रूट नॉट एग्जिस्ट, रूट नहीं निकाल पाते। अब रूट नहीं निकाल पाते का मतलब क्या है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट फोर। तो x की वैल्यू निकल गई ना, अंडर रूट फोर को आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस टू करके लिखोगे, तो इसके रूट एग्जिस्ट हैं। लेकिन नॉट एग्जिस्ट में ना ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, फिर बच्चे कहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस फोर। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आपने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं क्या आपने उसमें ऐसा नंबर कोई देखा है कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए? तो रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब है कि ये रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब है कि ये रियल नंबर नहीं है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन क्योंकि अभी आप टेंथ क्लास में हो तो टेंथ क्लास के अंदर ये वाला हिस्सा तो है नहीं, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखवा देते हैं नो रियल नंबर, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस केस के अंदर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी होता है, वो लेस देन होता है जीरो। डी जो होता है वो लेस देन क्या होता है, जीरो होता है। और जैसे ही डी लेस देन जीरो होता है ना, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक आप पढ़ोगे क्लास इलेवेंथ के अंदर, आंसर तो निकलते हैं इसके लेकिन क्लास टेंथ में नहीं निकलते, क्लास इलेवेंथ में फाइंड करना सीखते हैं कैसे आंसर इसके निकाले जाते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब भी नो रियल रूट लिखा है इसका मतलब है रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे, और उसका मतलब ये होगा कि डी की वैल्यू लेस देन जीरो है। डी की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब आपको यहाँ पे यही नोट करना है, डी लेस देन जीरो, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी इसी तरह के दो क्वेश्चंस करवाए हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर लिखते हैं इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव पी एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद आप यहाँ लिखते हो इट हैज नो रूट, इट हैज नो रियल रूट। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया डी इज लेस देन जीरो। और उसके बाद आप यहाँ लिखोगे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर, कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं ए जीरो, ए जीरो नहीं है, एक्स स्क्वायर के यहाँ पे साथ में क्या है वन, तो ए की वैल्यू आएगी वन। एक्स के साथ में क्या है ये फाइव पी, तो बी की वैल्यू आएगी फाइव इंटू पी, और ये सोलह बचा हुआ नंबर है हमारा सी। हमने लिख दिया ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। फिर आप इसको लिखोगे b, b यानी कि 5p का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 16 लेस देन 0। इसको लिखेंगे 25p स्क्वायर माइनस
64 लेस देन 0। अब आपको यहाँ पे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा वाला कंसेप्ट है, ये गलती करने वाला कंसेप्ट नहीं है, ये वो वाला कंसेप्ट है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सही वाला बताया था। कैसे बताया था उसको दोबारा दोहराते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी में अगर आप हाँ इसको लिखोगे तो ये बनेगा 5p का होल स्क्वायर माइनस 64 को लिखते हैं 8 स्क्वायर इज लेस देन 0। फिर आप यहाँ लिखोगे एक नंबर 5p प्लस 8 और फिर आप यहाँ लिखोगे 5p माइनस 8 लेस देन 0। उसके बाद जब आप इसको लिखोगे तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू जीरो करके आंसर निकाल दो जरा क्या बनेंगे। तो ये 5p प्लस 8 को जीरो लोगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 8 बाय 5। और अगर 5p माइनस 8 को जीरो लेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 8 अपॉन 5। अब आंसर ये नहीं है, आंसर आएंगे नंबर लाइन के ऊपर 1 2। एक आपका प्लस में आंसर आया 8/5, एक आपका माइनस में आंसर आया -8/5। ये है हमारी राइट हैंड साइड और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। मैंने बताया था राइट हैंड साइड से साइन लगाने स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस के अकॉर्डिंग दो आंसर निकले थे, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। इसके अंदर जरा आप यहाँ देखो क्या है, इस वाले साइन को बोलते हैं लेस। लेस का मतलब होता है जीरो से छोटा। ये वाला साइन कौन सा है, ये वाला साइन है लेस देन का साइन। और लेस देन का साइन का मतलब होता है जीरो से छोटा, जीरो से छोटे का मतलब है माइनस। तो ये देखो कि माइनस कहाँ पे है, माइनस है इस सेकंड वाले नंबर पे। तो ये सेकंड वाला नंबर यानी कि इतने इतना ही हिस्सा आपका आंसर है। और आप इसको इस तरह से लिखोगे, ये माइनस 8/5 ऐसे लिख दो, फिर यहाँ पे ऐसे लिखो, फिर ये पी आएगा, फिर ये आएगा 8/5 आ जाएगा। तो ये पी की वैल्यू ये आएगी आपकी, आप इसको ऐसे लिख देना, सो पी लेस देन 8/5, पी ग्रेटर देन माइनस 8/5। इसका मतलब क्या बना, पी जो है देखो यहाँ से छोटा है, इसके अंदर है, तो पी इज लेस देन 8/5 और ये माइनस 8/5 से उस तरफ को है, बड़ा है, तो पी इज ग्रेटर देन माइनस 8/5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यही तरीका है। इसी तरह आपके सपोर्टिंग मटेरियल में आंसर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को करने का तरीका और कोई नहीं है, आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। अगर आप वो गलती वाला करोगे तो गलती वाले के अंदर आपके ये आंसर्स नहीं आ पाएंगे, क्वेश्चन गलत रहेगा हमेशा। तो देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या दे रखे हैं, रेसिप्रोकल दे रखे हैं। तो आप क्या करो, पहले इक्वेशन लिख लो यहाँ पे 4x square minus 2x plus फिर ब्रैकेट है c minus 4 equal to 0। अब देखो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है reciprocal। जिन्होंने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो देखी है यानी कि सपोर्टिंग मटेरियल जो MCQ करवाए थे वो देखा है, वो समझ गए होंगे कि reciprocal के अंदर हमेशा प्रोडक्ट यूज होता है, reciprocal के अंदर हमेशा प्रोडक्ट यूज होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देखें उसके बाद इसको कंटिन्यू करिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम यहाँ मान लेते हैं, पहले a निकाल लो, a की वैल्यू क्या है, ये 4, b की वैल्यू क्या है, ये -2, और जो बचा वो क्या है, c है यानी कि ये c माइनस 4। देखो c क्या है, c माइनस 4, कन्फ्यूज मत होना, हम इसको चेंज कर देते हैं, इन वाले को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अब हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रूट, फर्स्ट रूट, फर्स्ट रूट को मान लेंगे अल्फा, यहाँ से लिखेंगे सेकंड रूट, सेकंड रूट आ जाएगा 1/अल्फा, फिर हम करेंगे इनका प्रोडक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो वैल्यू आएगी 1, और यहाँ आएगा कैपिटल सी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, सी की वैल्यू देखो क्या है, सी माइनस 4, तो हम यहाँ लिखेंगे सी माइनस 4,
और ए की वैल्यू क्या है 4, तो सी माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। फिर आप इसको लिखोगे सी माइनस 4 इक्वल टू 4, ये माइनस 4 यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 4 प्लस 4। तो यानी कि इसका मतलब है सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला मेरे हिसाब से, एक बार आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ सेक्शन बी के क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 तक डिस्कस करे हैं। आप एक बार करें क्या, 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से करके देखें, क्योंकि मुझे लगता है आज के लिए हमें यहीं तक स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 में जो 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनमें आपको कंसेप्ट पहले नहीं पता होगा, आज ही पता चला होगा। तो आप एक बार, आपके पास ट्यूसडे तक का टाइम है, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो ट्यूसडे को अपलोड करूंगा, तो आपके पास ट्यूसडे तक का टाइम है, तब तक आप वीडियो 1 पूरी कंप्लीट कर लो, वीडियो 2 में से जो मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाया ये कंप्लीट कर लो, फिर वीडियो 3 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे ट्यूसडे को एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर सेक्शन बी ही डिस्कस होगा और वो क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस होगा।